सब गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो भाई आप सब लोग? अगर आप भी मेरे तरह कार लवर तो मिशन जान रहे सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई आज आपको दिख रही होगी अपने पीछे मारुति की इग्निस गाड़ी। भाई इग्निस एक ये लगा लो बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है, आपको काफ़ी सड़कों पर दिखेगी, लेकिन आज के टाइम में भी ना लोग इस गाड़ी के बारे में इतना ज़्यादा कुछ जानते नहीं है, क्योंकि भाई सड़कों पर इतनी ज़्यादा दिखती नहीं है। टू वी ओनर्स लोग थोड़ा सा कम लेना प्रेफर करते हैं। कम क्यों लेते हैं वो चीज़ एक बार मैं आपको बताऊँ भाई। कम जो मेरे को लगता है, एक जो इस गाड़ी का प्राइस है ना, वो आपने लगा लो जो आपकी स्विफ्ट आती है अरीना में उसके थोड़ा आसपास का ही है। तो मे भी मेरे हिसाब से ये रीज़न भी हो सकता है कि भाई अगर कोई इंसान 7 लाख 8 लाख रुपए 8.5 लाख रुपए अगर कोई टॉप मॉडल में अगर फूक रहा है तो वो ये ना लेके स्विफ्ट को वो प्रेफर करना पसंद करेगा। जेन्युइन सी बात है भाई। तो भाई आज हम इस गाड़ी के बारे में देखने वाले हैं, इस गाड़ी में ऐसे क्या क्या फीचर्स आते हैं जो आज तक भी लोगों को नहीं पता, किस वे में ये गाड़ी बेस्ट निकल के आती है, क्यों इस गाड़ी को हमें परचेज करना चाहिए, वो आज हम देखने वाले हैं भाई। आपके सामने खड़ा हुआ है, इसका हम पूरा आपको बताने वाले हैं। साइड में अगर आप देखोगे भाई तो बेस मॉडल सिग्मा भी खड़ा है, इधर भी सिग्मा खड़ा है, इसमें थोड़ी एसेसरीज लगी हुई है वो भी हम आपको दिखा देंगे। तो भाई सबसे पहले भाई को बुला लेते हैं, सेल्स पर्सन जो हमारे आगे संदीप भाई, क्या है भाई आपके? तो भाई सेल्स पर्सन है यहाँ पे नेक्सा में। तो अगर आपको जो भी परचेज वगैरह कुछ भी करनी हो, गाड़ी से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर शो होगा, कॉल करके आप पूछ सकते हैं। लोकेशन आपको चाहिए होगी वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो भाई सबसे पहले गाड़ी के बारे में बताओ, क्या है ये, क्यों हमें इसको लेना चाहिए इस प्राइस रेंज में? प्राइस रेंज अगर हम देखें टॉप मॉडल का, अगर हम देखते हैं 8 के आसपास आता है, तो क्यों हमें ये गाड़ी लेनी चाहिए? देखो सर, इस गाड़ी को लेने के बहुत सारे कारण हैं। वो कारण क्या है कि जैसे हमें क्या है कि गाड़ी के अंदर क्या देखते हैं कि हमें पावर और माइलेज दोनों का एक कॉम्बिनेशन देखते हैं कि एक ऐसी गाड़ी जिसमें पावर भी ठीक ठाक मिले और माइलेज भी मिले, ठीक है, और जिसकी कीमत भी ज़्यादा है। तो ये गाड़ी क्या है उनके मारुति सुजुकी ने निकाली है, जिसमें 1.2 लीटर सिंगल जेट 3VT इंजन आता है। अच्छा, ये इंजन जो है इंजन कंपैरिजन ड्यूल जेट के मुकाबले ज़्यादा पैपी होता है। माइलेज जो फ्यूल एफिशिएंसी ड्यूल जेट इंजन जो हमारा बलिनो में है स्विफ्ट में उसमें ज़्यादा है, 1-2 किलोमीटर का बिल्कुल अंतर, माइलेज का थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, फर्क पड़ेगा। लेकिन जो पावर टू वेट रेशियो है उससे अगर हम देखें उसके हिसाब से तो माइलेज इसका भी कम नहीं है, माइलेज वो भी है 20 के आसपास। हमारा जो कस्टमर भी है अच्छी माइलेज बता रहे हैं, वही 20 की निकालती है, अच्छी माइलेज निकल के आती है। अच्छा, इसमें क्या है कि गाड़ी का वही ट्रेडिशनल इंजन है, इसमें VVT इंजन जो पहले कभी आता था, ये इंजन इस गाड़ी के अंदर जब हम फिट करके चलाते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा गाड़ी पैपी लगती है। 1.2 लीटर इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि इसी तरह की एक गाड़ी हमारे पास सिलेरी हो उसमें 1 लीटर का इंजन होता है, लोग उसको भी पैपी बताते हैं, लेकिन ये तो उससे कहीं ज़्यादा है। इसका क्या है कि पिकअप और लोगों की सिलेरी हो, अगर देखिए सिलेरी हो तो ये लगा लो लुक में इससे ज़्यादा अच्छी भी लगती है। इसको माइक्रो एसयूवी लुक दिया है, इसका फ्रंट कितना बोल्ड है आप देख सकते हैं, इसमें बैठेंगे कमांडिंग सीट है, एक SUV की तरह इसको कुछ हद तक इसको बनाया गया है, और 180mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि हमारे ऊबड़ खाबड़ गांव के रास्तों में रूरल एरियो के लिए बहुत परफेक्ट कार है, ऑफिस आने जाने के लिए इसमें व्हील बेस कम है, इस वजह से डेली बेस ऑफिस आने के लिए जाने के लिए मार्केट जाने के लिए परफेक्ट कार है। छोटी सी गाड़ी है, छोटी सी गाड़ी है, मैं इसको ऑलराउंडर कार कहूंगा, क्योंकि इसमें माइलेज भी है, इसमें पावर भी आपको अच्छी मिलेगी, पैपीनेस इसमें मिलेगी, गाड़ी बढ़िया भागती है, और गाड़ी का मेंटेनेंस तो आपको पता ही है मारुति का मेंटेनेंस होता है। मैं कह रहा हूँ, मैं तो 10-11 साल से मारुति चला रहा हूँ, तो मेरे को पता है मेंटेनेंस बिल्कुल। और ये गाड़ी मजबूत है, इसकी बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि कस्टमर का रिव्यू बताता हूँ, जो कस्टमर ले जाते हैं, मेरा यहाँ का अनुभव है, मुझे लगभग यहाँ इस शोरूम में 1 साल हो गया है, हमारे यहाँ अभी तक मैंने कोई सिंगल गाड़ी एक्सचेंज में इग्निस नहीं ली है, मेरे पास और काफ़ी गाड़ियाँ आती हैं, हर कंपनी की गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन इग्निस अभी तक किसी ने, यानी कि जिस कस्टमर ने इग्निस खरीदी है वो उसको चला रहा है रोड पे, चाहे उसको 4 साल हो गए हो या 5 साल हो गए, उसको बेचना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा। मतलब जो जिन लोगों के मन में ये डर रहता है कि भाई मारुति गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी खराब होती है, जी जी, इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी वो नहीं है, इस गाड़ी की आपको बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी ही मिलेगी। मारुति के खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा है, अदर और भी कंपनियां हैं सेम रेटिंग पे आती है, लेकिन उनको सेम आती है, इनकी बिल्ड क्वालिटी खराब नहीं बताते, इसका बताते हैं,
मैं नाम नहीं लेना चाहता, और भी कंपनियां हैं जो इसी बिल्ड क्वालिटी पे आती है। बिल्कुल, मैं लोग इसको क्या है कि टारगेट करते हैं, लेकिन डे बाई डे हर रोज हर साल मारुति अपने अपनी गाड़ियों को बहुत ज्यादा उनकी क्वालिटी को अच्छी बिल्ड के साथ अब बना रही है। पहले से ज्यादा एयरबैग की संख्या बढ़ गई है, पहले से ज्यादा इनकी टीम की क्वालिटी बढ़ चुकी है, ठीक है। दूसरा, ये गाड़ी तो प्रीमियम अपना नेक्सा आउटलेट से है, तो नेक्सा की गाड़ियों पे खास मारुति ध्यान देती है, ठीक है सर। तो ये और क्या बताऊँ इसके बारे में, कि गाड़ी है कि गाड़ी चौपर उत्तम है, इसका प्रमोशन कम है, लेकिन जो इस गाड़ी को जानते हैं, जिन लोगों ने ये गाड़ी चलाई है, जिन्होंने इस गाड़ी को महसूस किया है, वो इस गाड़ी को बेचना पसंद करते नहीं है। सेकंड हैंड मार्केट में आपको इसकी सेल्स नहीं मिलेगी, ये गाड़ी आपको नहीं मिलती है। भाई वो इग्निस बेच रहा है, इग्निस जो चला रहा है, जिसने खरीदी है, वो पूरा अपना 100% सेटिस्फाई है और चला रहा है गाड़ी अच्छे से। तो ये बहुत सारी बातें मैंने आपको इग्निस के बारे में बताई हैं। गाड़ी का आप देख सकते हैं आगे से फ्रंट से बोल्ड लुक है, किसी को शिकायत है, आप कह रहे हैं कि नहीं कम बिक रही है, देखो तो गाड़ियाँ क्या क्या है कि हर गाड़ी का अपना अपना होता है। बलिनो है हमारी, बहुत उसका सही बहुत आगे है, ठीक है। लोगों को अब क्या है कि हम जो भारतीय हमारे कस्टमर हैं, उनकी थोड़ी सी डिमांड अलग हुई है। वो क्या है कि अब धीरे धीरे SUV पे जा रहे हैं, प्रीमियम हो गए, कॉम्पैक्ट SUV जा रहे हैं, या हैचबैक पे जाएंगे, प्रीमियम में जाएंगे। ये गाड़ी हैचबैक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस गाड़ी से जो कुछ कस्टमर उम्मीद कर रहे हैं, जैसे कि भाई इसका फ्रंट और जैसे जितना अग्रेसिव इसका फ्रंट है उतना रियर भी हो, तो बहुत सारी कस्टमर का ये पर्सनल है। हालांकि ये जो लुक की बात होती है, ये सब्जेक्टिव होती है। इसमें रियर में किसी को बहुत पसंद आता है, मुझे तो आता है, क्योंकि मैं तो बहुत साल से इस गाड़ी में, मैं बहुत टाइम से इस गाड़ी को देख रहा हूँ, ठीक है। लुक में तो मुझे खुद यूट्यूबर लोग बता देंगे आपको कि लुक में गाड़ी कैसी लगती है डेली चलाने के लिए। दूसरा, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, इसकी कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें भी हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपका डेल्टा वेरिएंट से इंडिकेटर हट जाता है, मैंने और भी सेगमेंट की गाड़ी देखी जिनको फेंडर पे इंडिकेटर देते हैं। हाँ, छोटी देखो इसको कैसा, इसका कैसा लुक एनहांस करने के लिए सब चीजें दी है, ऐसे ग्रिल टाइप से यहाँ दे रखी है। अभी गाड़ी बंद है, मैं दिखाता आपको अंदर का जो ग्रैब हैंडल कैसा ग्लॉसी दे रखा है, आपने कभी देखा होगा। अच्छा, ठीक है सर, यहाँ से दिख जाएगा। हाँ बिल्कुल दिखेगा, दूसरी साइड से दिख जाएगा, मैं दिखाऊंगा, ठीक है। सामने देखो वो हैंडल, ग्रैब हैंडल आपको कैसे दिखाई दे रहा है, ये इस सेगमेंट में किसी गाड़ी में मैंने देखा नहीं है। नहीं नहीं, थोड़ी सा प्रीमियम लुक है उसका, जो जैसे व्हाइट में भी ना उधर ग्लोसी में दिया हुआ है, बिल्कुल इंटीरियर है, आप देख सकते हो नीचे व्हाइट है, ऊपर है, आप ये देख सकते हैं रूफ रेल्स हो गई। अच्छा, इस सेगमेंट की गाड़ियों में पुल अप वाले देते हैं ये डोर हैंडल, आपने देखा पुल अप वाले, राइट, ये है डोर हैंडल कहाँ देते हैं इस इतने प्राइस में। बिल्कुल, गाड़ी की कीमत क्या है आपका बेस मॉडल, इसको कितना, 6,74,000 ऑन रोड है, बाकी डिस्काउंट के साथ और भी सस्ती, 6,74,000 ऑन रोड बेस मॉडल से। अच्छा, ये इस वाली गाड़ी का है या फिर सिग्मा का, बेस मॉडल का बताया, सिग्मा का, वहाँ से शुरुआत होती है। अच्छा अच्छा, 6,74,000 डिस्काउंट के बाद और कम होती है गाड़ी की कीमत, ठीक है सर। तो ये सारी जानकारियाँ मेरी तरफ से, ये इग्निस के बारे में जो मैं जानता था वो सारी बातें मैंने आपको बताई है। तो यही थी भाई कुछ वीडियो इग्निस के बारे में। अगर मैं इसका आउटर लुक अगर आपको दिखाता हूँ भाई, तो इस तरह से आपको कुछ इसका आउटर लुक नजर आता है। तो सामने अगर इसकी गाइस लाइटों का अगर हम देखें, तो ये हैलोजन में आपको कुछ इस टाइप की मिल जाती है। अगर सामने की ग्रिल आपको ये देख लो, कुछ क्रोम फिनिशिंग में आपको ये दिखेगी, सामने मारुति का लोगो हो गया, और ये आपका टर्न इंडिकेटर हो गया। और साइड प्रोफाइल अगर हम इसकी देखते हैं भाई, बेस मॉडल से एक मॉडल ऊपर है ये, तो इसमें आपको व्हील कैप मिल जाता है भाई। IRVM में आपको टर्न इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, डोर हैंडल आपको अपना वही बॉडी कलर में मिल जाएगा, प्लस रूफ रेल्स और स्पॉइलर वगैरह आपको इसमें मिल जाएगा देखने के लिए। पीछे से अगर हम इसकी गाड़ी के कुछ लुक देखते हैं, तो वो इस टाइप के आपको कुछ लुक देखने के लिए मिलती है। थोड़ी सी आपको ऐसा लगेगा कि बॉक्सी टाइप का लुक आपको इसमें देखने के लिए मिलता है भाई, मतलब अगर नॉर्मली मैं अगर आपको बोलूँ ना, तो अच्छा ही लगता है भाई देखने के लिए। जैसे आपको अगर कहीं ऑफ रोडिंग करनी हो, ऑफ रोडिंग में ये गाड़ी मैं कैपेबल क्यों बोलूँगा, क्योंकि इस गाड़ी का ना व्हील बेस देखो, व्हील बेस आपका कम है, प्लस ग्राउंड क्लियरेंस इसकी 180mm के आसपास है, मैं एग्जैक्ट मेरे को भी ध्यान नहीं है, स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूंगा। तो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी इस बेस पे आपकी अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसका गाड़ी का व्हील बेस कम है, ये चीज है। नीचे का अगर हम देखते, तो ये आपको कुछ सिल्वर फिनिशिंग में आपको बम्पर मिल जाता है, ये आपको आपके इसके पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, 4 पार्किंग सेंसर आपको इसमें इसके मिल जाते हैं। पीछे आपको वही मारुति का लोगो, नेक्सा का।
तो यही है भाई कुछ इस गाड़ी की ओवरऑल जो मैं हमें आपको बताना था। किसी मतलब नॉर्मली आप तक आज तक आपने किसी यूट्यूब पे भी वीडियो इस गाड़ी की इतनी ज़्यादा देखी नहीं होगी। जैसे एक वो गाड़ी खड़ी है भाई देख लो, इग्निस है, वो भी दूर से अगर हम इसको देखें तो भाई देख लो कैसा बॉक्सी सा लुक है इसका पीछे से। बिल्कुल मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो भाई गाड़ी देखने में तो अच्छी लगती है, कैपेबिलिटी भी इसकी अच्छी है। 1.2 लीटर इंजन के साथ आती है भाई, बड़ी बड़ी कॉम्पैक्ट एसयूवी में भी 1-1 लीटर का इंजन आता है, इसमें तो फिर भी 1.2 आ रहा है भाई। तो यही है भाई कुछ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, लाइक करे बिना मत जाना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। जल्दी मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।